हमारा इस घर में, हमारे महल में आखिरी दिन है। हम पुणे से जा रहे हैं, कल सुबह निकलेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, आज के दिन ही ऐसा होना था। हमारे ओनर्स आए हुए थे वो एंड की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। देखिए कौन आया है, कौन आया है। तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी और क्या हुआ बीच में, चाय बनते बनते गैस खत्म। क्या 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 क्यों मेरी एक्टिंग करने की क्यों ना करूँ यार, मैं अच्छी चीजें ना अपना लेती हूँ फटाफट। आओ। जब से लॉकडाउन हुआ है हमने आज तक कहीं से ऑर्डर करके नहीं खाया, और अब ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है, तो शायद आज हम कुछ ऑर्डर हमें अब करना पड़ेगा। हमने अपने लास्ट डे के लिए ना ये दो मैगी के पैकेट्स रखे थे। हमने अपनी पैकिंग हफ्ते पहले शुरू कर दिया था, बट आज की डेट में भी ना कल हमें निकलना है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ्स टू पैक। चलो चलो यार, लेट्स स्टार्ट पैकिंग, फटाफट खत्म करते हैं, अदरवाइज ना रात तक आज भी चलेगा, और आज रात को ना जल्दी सोएंगे मस्त आराम से फेस पैक लगा शगा के। हमने जब शादी के साथ वचन लिए थे ना, तो उसमें एक वचन ये भी था कि हम सारे काम एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं होता, दोनों की पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ तुम्हारी नहीं, देखो मेरी तो है, आई एम मेंटेनिंग माय पर्सनल लाइफ वेरी वेल। पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है नाउ इज नॉट द टाइम कि हम डिसाइड करें ये रखें ना रखें, लेट्स टेक अ कॉल एकदम क्विकली। रखना है यस, नहीं रखना है यस, ठीक है यस एंड यस। सो व्हाट अबाउट द बेडशीट, रखना है नहीं, नहीं कर्टेंस ओके ठीक है, लेट्स पैक ये पैक करो। अरे इसका एक डब्बे में तो चटनी रखी हुई है, दैट वी नीड टू थ्रो नाउ, लेट मी डू इट। तुमने सारी प्लेट्स पैक कर दी, ये प्लेट एक रह गई। तुमने सारी इकट्ठी करके नहीं रखी ना? अरे यार वो उस वक्त धुली थी ना। पैकिंग का है, तुम्हारा सप्लाई चेन संभाल लेगा। हाँ। I'm so happy कि हमारे जितने भी प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर्स थे वो हमें डिस्कार्ड नहीं करना पड़ा। बट आई एम सो हैप्पी, हमने उनको 6 साल यूज़ करा एंड नाउ वी आर पासिंग इट ऑन टू अ फ्रेंड। अरे यार ये सामान तो पता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमने इतनी पैकिंग कर ली है फिर भी इतना सारा सामान वहाँ जतन पैक कर रहा है, इतने सारे सूट केसेस इकट्ठे हो गए हैं, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी में सारा सामान जाएगा कैसे। ये इतना सारा लगेज हमें गाड़ी में डालना है वैगनार में, पता नहीं कैसे आएगा। और अभी इन इन सामानों का तो अभी तक कोई हिसाब किताब ही समझ नहीं आ रहा है, आएगा कहाँ पर और कैसे। गैस ख़त्म होने की वजह से मतलब एक काम जो खाना बनाने का जो काम है वो ख़त्म हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि यार मतलब काफ़ी टाइम है यार। यार इतनी सारी सॉसेस की बॉटल रखी हुई है, मेरी फेवरेट सॉसेस है यार ये, और वी कांट टेक केयर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसका। और अब हम बनाएंगे एक क्विक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। फिर शुगर डाली। ओ अंकल पैकेट पकड़ने का ना, मैंने सोचा था कि 1-1.5-2 घंटे में खाना सारा पैक हो जाएगा एंड देन विल गो आउट एंड गिव सम स्टफ्स टू आवर फ्रेंड। काफ़ी टाइम लग गया सारा छोटी 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 चीज़ें निकालने में, अब एवरीथिंग इज़ इनसाइड दोज बैग्स एंड आई थिंक वी आर अ लिटिल सॉर्टेड। तो बस अब हम नहा धो करके निकलेंगे अपने दोस्त के घर पे, उसको सामान देंगे, और फिर एक एक करके जब हम गाड़ी में सामान भरना शुरू करेंगे ना ये सारे सूट केसेस, देन विल गेट सम आइडिया कि कितने पानी में है हम। लगी क्या बच्चों का सुदबुद में घूमते रहते हो, हाँ यू वॉन्ट कैमरा व्हेन यू विल टेक शॉट। आई एम रेडी टू लीव, चलो उठाएं सामान, बहुत भारी है। जिस तरह से ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी साइकिल या फिर अपने डंबल्स किसी को देना या किसी को बेचना, बट आई वॉज रिलीव व्हेन अ फ्रेंड ऑफ आर्स टुक इट। सिमिलरली जतिन के लिए मुश्किल था ये वाले हमारे स्पीकर्स किसी को देना, तो 1400 के ये स्पीकर्स खरीदे थे किसी ज़माने में, एंड ही वॉज लाइक नहीं यार विल नॉट सेल इट, विल गिव इट टू समवन।
चलो बॉयज लग जाओ काम पे, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कोई भी। तुम जतिन ध्यान से, इनके घर में डॉग है। अगर वो आ गया तो यार मेरे को मत खाना। नहीं यार बेचारा तुम्हारी वजह से ना दोनों एकदम भूख फिर नहीं पा रहे। सिम्बा क्या किया चाचू ने? हाँ देखो जतिन को देखो, भागा भागा भागा। वो तुम्हारी तरफ ही देख रहा है, he is not even interested on me। हाँ तो आ जाओ ना। हाँ चलो बाय सिम्बा। सिम्बा बाय बाय दर्शन, बाय बाय नीश, बाय नीश लास्ट बाय। ऑल द बेस्ट। अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ यार आज गैस खत्म हो गई थी, क्योंकि सिर्फ ऐसे ऐसा लगता है कि हाँ खाना बनाने वाला काम चला गया है। बट यार मतलब वी बोथ वर सो रिलीव्ड कि हमने आराम से अपनी पैकिंग कर लिया, ना खाना बनाना पड़ा ना बर्तन धोने पड़े। और सिंस बर्तनों का यूज़ नहीं था थ्रू आउट द डे, तो वो बर्तन भी पैक हो चुके हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली अब हमारा खाना आ चुका है और आज हमारी प्रतिज्ञा बाहर का खाना ना खाने की टूटने वाली है। कितने महीने का रिकॉर्ड हो गया? कितने महीने का रिकॉर्ड हो गया जब से लॉकडाउन से नहीं खाया। ऑल्दो मेरा तो अभी भी मन नहीं था बाहर से खाने का, अब आ गया तो खाते हैं। हाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, खुशी से खाओ। खुशी हाँ हाँ खुशी से खाऊंगी, तभी तो बिरयानी ऑर्डर करी है। बताओ बॉक्स के साइज की हाफ है बिरयानी। आई डोंट थिंक हमारे से पेट भरेगा। चीयर्स टू द लास्ट मील इन द होम। यार मतलब ना मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी ना जैसे जैसे इमो रही हूँ इमो। हाँ यार मतलब थिंग्स आर एंडिंग नाउ हियर ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड फाइनली अब जाके हमारा काम खत्म हुआ है। हाँ मतलब ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि यार ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब हम जितना सामान पैक कर रहे हैं उतना सामान और निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से हमारी बैंड बज गई लिटरली सामान पैक करते करते। फाइनली टाइम क्या हो रहा है, 12 बज गए होंगे ना। और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, कल हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हो रही है। हम पुणे से जा रहे हैं कल दिल्ली, 3 दिन का हमारा ट्रिप है। वी आर गोइंग बाय कार। और सुबह उठ के यार अब खाना नहीं बनाना है यार, अब मैं बता नहीं सकता। आपको लग रहा होगा कि यार खाने वाला वाई इट्स सच अ बिग डील, बट यार आई एम फीलिंग वी बोथ आर फीलिंग सो रिलीव्ड कि कल हम सुबह आराम से उठ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज जैसे हम जब रोड ट्रिप्स में जाते हैं ना तो हम कुछ खाना हम बना के ही जाते हैं, ऑल्दो लॉकडाउन हो ना हो हम रास्ते में भी खाने का जब ऑप्शन होता है तो हम कुछ ना कुछ बना के रखते ही रखते हैं। एंड हमें आराम से कितना जब भी हमें कुछ बनाना होता है एक डेढ़ घंटे पहले हमें उठना होता है, बट कल वी कैन स्लीप फॉर दैट मेनी आवर्स एंड इट्स सच अ बिग रिलीफ। तो पता है क्या लग रहा था कि आज का जो दिन है ना इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चिल्ड डे, चिल्ड आउट टाइप का डे होगा, बिकॉज हमारी पैकिंग तो हो ही चुकी है और जतिन की भी छुट्टी है, मेरे भी जो वीडियोज़ हैं वो लाइंड अप हो चुके हैं। सो विल जस्ट चिल, हम ऐसे ना क्या कहते हैं अपने पुराने दिन जो इस घर पे हमने बिताए हैं, क्या क्या चीज़ें करी हैं इस घर में, विल सोक इन दिस यू नो एवरीथिंग दैट वी डिड इन दिस होम। बट उन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला, मतलब लिटरली नॉस्टैल्जिया का तो टाइम ही नहीं मिला ना। तो बस अब ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होगी एंड वी आर गोइंग टू व्लॉग दैट ऑल्सो। और बस अब पुणे का ये जो चैप्टर था 6 साल का वो अब मतलब जब मैं बोलती हूँ ना कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड रोने लगती हूँ, इमो हो जाती हूँ। हाँ यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शिट यार मैं तो अभी से जब भी मैं सोचती हूँ ना कि आई जस्ट गेट वेरी इमोशनल, मतलब मुझे ऐसे लगने लगता है कि यार। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू एंजॉयड इट डू हिट द लाइक बटन, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे ब्लॉग्स देख करके किसी को थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी तो भैया शेयर कर देना ना यार, मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार। खुशी सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए ना, बांटनी चाहिए। तो बस बांटो ये ब्लॉग सबको, सबके साथ शेयर करो और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एंड यू गेट टू सी आर journey from Pune to Delhi.